नमस्कार, आप देख रहे हैं News24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सूचना प्राप्त होने के 2 घंटे के अंदर शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म कर हत्या करने वाले के मामले में संलिप्त दोनों आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए कांड के उद्भेदन तथा घटना कारित करने में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उक्त गठित टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों का मेडिकल जांच कराई जा रही है तथा उक्त मामले में सभी बिंदुओं पर गहन जांच करते हुए त्वरित अनुसंधान जारी है। गया पुलिस महिला सुरक्षा हेतु लगातार कार्य कर रही है। इस मामले में प्रभावी वैज्ञानिक अनुसंधान त्वरित गति से कराते हुए आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा तथा त्वरित विचारण कराकर दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। शेरघाटी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उचरवा में मोरहर नदी के किनारे एक बच्ची का शव पाया गया है, तो प्राप्त सूचना से वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष शेरघाटी एवं जो बाकी सशस्त्र बल के साथ वो स्पॉट पे पहुंचे और वहां पे पहुंच के उन्होंने देखा कि निरीक्षण किया गया कि जो एक छोटी बच्ची थी उसका शव वहां पे पाया गया है और उसको तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, सीन को सील किया गया एवं FSL की टीम को भी बुलाया गया। इसके बाद बच्ची की पहचान हुई और इन्होंने स्थानीय लोग शेरघाटी थाना के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ आसूचना संकलन करके पता किया गया तो वहाँ पे एक विधिवत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मानसी गांव उचिरावा थाना शेरघाटी, उसके द्वारा विपरीत ध्यान दिया गया कि उसके साथ एक और साथी उक्त घटना कारित करने में संलिप्त था जिसको इसकी निशानदेही में दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम था गौतम कुमार, पिता संजय पासवान, थाना शेरघाटी गांव उचरावा। उक्त कांड के संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित बयान दिया गया तो शेरघाटी थाना कांड संख्या 444/24 दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया। इसमें बताया जाए कि जो लड़की थी, छोटी लड़की, उसके साथ रेप किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया गया। एएसपी शेरघाटी भी स्पॉट पे पहुंचे और शेरघाटी थाना एवं उनके पदाधिकारी भी पहुंचे। SSL टीम के द्वारा भी वहां पे पूरी विधिवत जो कार्रवाई होती है वो की गई है और इन दोनों जो अभियुक्त हैं संदीप कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है और अनुसंधान है उसको भी किया जाएगा। और ये है कि गया पुलिस जो है महिलाओं के केसेस को लेकर जो है उसको बहुत संवेदनशीलता से देखती है और उसमें जितना हो सके जल्दी कार्रवाई करते हुए हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में भी सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोग जल्द से जल्द उसको चार्जशीट करके केस को आगे बढ़ाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।